Good morning, students. Welcome to your science class. And today we will start a new chapter, chapter number 10 Air and Water. Ojas visited the city garden with his parents. They saw many types of plants, trees, and beautiful flowers. Ojas bought an indoor plant from there and kept it in an airtight jar because a pot was not available at that time. नेक्स्ट डे हिज फादर बॉट अ पॉट फॉर द प्लांट एंड आस्ट ओजस टू ब्रिंग इट बट ओजस बिकेम अपसेट आफ्टर सीइंग द प्लांट बिकॉज इट वॉज विदर्ड हिज फादर टोल्ड हिम दैट लाइक अस प्लांट ऑल्सो नीड एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ग्रो ही फर्दर एडेड दैट एयर एंड वॉटर बोथ आर असेंशियल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स ओजस अपने पेरेंट्स के साथ गार्डन में घूमने गया है वहाँ उसने बहुत तरीके के प्लांट्स और ट्रीज और फ्लावर्स देखे और वहाँ से वो एक इंडोर यानी कि जो घर के अंदर हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं वो एक प्लांट लेकर आया लेकिन वो उस प्लांट को किस में लेकर आया एक एयर टाइट जार में बिकॉज उस टाइम पर वहाँ पॉट यानी कि गमला अवेलेबल नहीं था नेक्स्ट डे उसके फादर गमला लेकर आए ही ब्रिंग अ पॉट एंड उन्होंने ओजस से बोला कि जो कल हम प्लांट लेकर आए थे उसको लेकर आओ बट जब ओजस उस प्लांट को लेकर लेने गया तो उस प्लांट को देखकर वो बहुत ही अपसेट यानी कि दुखी हुआ बिकॉज प्लांट वॉज विदर्ड विदर्ल्ड मीन्स प्लांट जो था वो मुरझा गया था फिर उसके पापा ने बताया कि क्यों आया ऐसा तो उन्होंने बताया कि हमारी तरह प्लांट्स को भी एयर की नीड होती है पानी की नीड होती है ग्रो करने के लिए और उसके बाद उसके फादर ने आगे बताते हुए कहा कि एयर और वाटर दोनों ही जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं सभी के लिए एसेंशियल है नाउ एयर एंड वाटर द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट दैट इज सुस्टेबल फॉर लाइफ लाइफ एग्जिस्ट हीयर बिकॉज ऑफ प्रजेंस ऑफ एयर एंड वाटर ऑन इट द एयर वी ब्रीथ इन एंड द वॉटर वी ड्रिंक आर द कीज टू आर प्लेनेट यूनिक प्लेस इन दोलर सिस्टम वन कैन नाट सर्वाइव विदाउट दीज असेंशियल रिसोर्सिस अर्थ ही केवल ऐसा एक प्लेनट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है क्यों क्योंकि यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है और इसी वजह से ये एयर को अर्थ को एक यूनिक मीन्स स्पेशल प्लेनट बनाते हैं एयर को हम यूज करते हैं ब्रीथिंग में और वाटर का हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग में कुकिंग में अदर थिंग्स में नाउ एयर एयर इज एन असेंशियल रिसोर्स नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स वन कैन नॉट लीव विदाउट एयर वी आर सराउंडेड बाय एयर फ्रॉम ऑल साइड्स वी कैन नॉट सी एयर वी कैन ओनली फील इट सभी लिविंग बींग्स के लिए असेंशियल है एयर और कोई भी बिना एयर के सर्वाइव नहीं कर सकता जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं एयर हमारे चारों तरफ है बट ना तो हम एयर को देख सकते हैं हम केवल एयर को महसूस कर सकते हैं केवल हम उसको फील कर सकते हैं नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर मीन्स एयर किस किस से मिलकर बनी है एयर के अंदर क्या क्या है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज बहुत सारी गैसेज हैं और मेन गैसेज कौन सी हैं इसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो नाइट्रोजन जो कि ब्लू कलर से रिप्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा है ब्लू कलर सबसे ज्यादा है ना डायग्राम में दैट्स वाई और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज सेवेंटी एट परसेंट सेकेंड नंबर पर आप देखेंगे येलो कलर से ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया है एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ट्वेंटी वन परसेंट और रेड कलर से जो बहुत ही स्मॉलर पार्ट आपको शो हो रहा है इसके अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेज वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स ये सब आ जाते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रजेंट इन एयर कॉल्ड ह्यूमिडिटी एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी द परसेंटेज ऑफ डस्ट पार्टिकल्स स्मोक एंड वाटर पर मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डस्ट की परसेंटेज स्मोक की परसेंटेज वाटर वेपर की परसेंटेज अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है जैसे कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दिल्ली में अगर कोई एक पर्सन रह रहा है तो वहाँ का एयर कैसी है पॉल्यूटिड है स्मोक ज़्यादा है डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है क्योंकि व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं इंडस्ट्रीज हैं और एक अदर साइड इफ यू विल सी अ ऑब्जर्व द एयर ऑफ अ विलेज अगर एक गांव की एयर को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर देखिए इंडस्ट्रीज नहीं होते व्हीकल्स भी इतने यूज नहीं होते तो वहाँ की एयर में स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स आपको कम मिलेंगे तो दैट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस नाउ एटमोसफीयर द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफियर हमारी अर्थ चारों तरफ से एक तरीके के पतले ब्लैंकेट से घिरी हुई है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर हैज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इन सेवलर लेयर्स इट एक्सटेंड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अबाउट 800 किलोमीटर अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर कहाँ तक से स्टार्ट है हमारी अर्थ की सरफेस से जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं एनिमल्स रह रहे हैं और ऊपर अगर हम देखें कहाँ तक जाएगी एट किलोमीटर तक वाई इज एटमॉसफियर इम्पॉर्टेंट क्यों जरूरी एटमोस्फियर ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा एटमोसफियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ द एटमोसफियर हेल्प टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू ह्यूमैन एनिमल्स एंड प्लाट्स टू ब्रीथ एंड कार्बन डाईऑक्साइड टू प्लांट्स टू सिंथेसाइज देअर फूड बार बार हम पढ़ रहे हैं एटमोसफियर से क्या है हम लोगों को ह्यूमन बींग्स को प्लांट्स को एनिमल्स को ऑक्सीजन मिल रही है प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है जिससे वो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट रेगुलेट्स द वाटर साइकिल थ्रू विच प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट द वाटर दे नीड टू सरवाइव वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं किस तरीके से इवेपोरेशन होता है कंडेंसेशन होता है क्लाउड फॉर्मेशन होता है दोबारा से वाटर अर्थ पर आता है सेम ये प्रोसेस चलता रहता है जिसके थ्रू प्लांट्स और एनिमल्स को वाटर मिलता रहता है इट मेंटेन्स अर्थ टेम्परेचर ऑल्सो द एटमोसफियर सर्वस एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन द ओजोन लेयर इन द एटमोसफियर ब्लॉक्स मच ऑफ दिस रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ एटमोसफियर हमें प्रोटेक्ट करता है सन की अल्ट्रा वायलेट रेज यू वी रेज से और अर्थ में भी कौन सी लेयर ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है सन की इस हार्मफुल रेज से द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम आउटर स्पेस इसके अलावा एटमॉस्फेयर जो आउटर स्पेस से दूसरे ऑब्जेक्ट आते हैं अर्थ पर उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है एवरी डे सेवर मीटेरयड्स और मीटरॉयड्स क्या है पीसेस ऑफ रॉक्स ट्रेवलिंग थ्रो स्पेस रॉक्स के पीसेज जो कि स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं वो अर्थ की तरफ आते हैं तो हमारी प्रोटेक्शन कौन करता है उससे हमारा एटमॉसफियर हमारा एटमोसफियर उसे एंटर नहीं करने देता अर्थ के पर तक वैन दे रीच द एटमोसफियर जब ये मीटरॉयड्स एटमोसफियर में पहुंचते हैं मोस्ट ऑफ दैम अप ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एयर एयर के फ्रिक्शन की वजह से मोस्टली वहीं पर बर्न अप हो जाते हैं जलकर खत्म हो जाते हैं और वो अर्थ तक नहीं आ पाते नाउ वी विल रीड अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमोस्फियर अभी हमने एस एस टी में या साइंस में या आपने लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ी हैं दिस वन इज दीज आर क्रस्ट मेंटल एंड कोर वो अर्थ की लेयर है बच्चा और ये है लेयर्स ऑफ एटमोसफियर फाइव लेयर्स में हमारा एटमोसफियर डिवाइडेड है फर्स्टली ट्रोपोस्फियर इट इज द क्लोजेस्ट लेयर टू द सर्फेस अर्थ के सबसे पास वाली लेयर है दिस इज द लेयर वेयर वी लीव इसी लेयर में हम रहते हैं ऑल वैदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर जितने भी वैदर चेंजेस होते हैं वो इसी लेयर में होते हैं कंडीशन इन दिस लेयर चेंज वेरी क्विकली इस लेर की कंडीशन्स जो हैं वो बहुत ही जल्दी चेंज होती रहती हैं और इसकी रेंज क्या है अर्थ से लेके ट्वेल्व किलोमीटर तक यू कैन सी इन डायग्राम डायग्राम में आपकी रेंजेस लिखी हुई हैं लेयर्स की लेकिन रिटर्न अपार्ट में नहीं दी हुई हैं नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फीयर इट इज अ क्लियर क्लाउडलेस लेयर ये क्लियर और क्लाउडलेस यानी कि बादल नहीं होते इस लेयर में इट्स अपर पार्ट कंटेन ओजोन लेयर ऊपर वाले पार्ट में क्या है ओजोन लेयर है जो सन की अल्ट्रा वायोलेट रेस से हमारी प्रोटेक्शन करती है वेदर बैलून्स गो एज हाई एज एस्ट्रेटोस्फेयर वेदर बैलून्स जो होते हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं स्ट्रेटोसफियर नेक्स्ट इज मीजोस्फियर इट द अर्थ सरफेस फ्रॉम बीइंग हिट बाय बायटर इसके नाम से ही आप याद हो सकते हैं स्फीयर और मिटोराइट्स यानी कि मिटॉय्स को अर्थ तक आने से ये रोकती है ये वाली लेयर द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज द एट द टॉप ऑफ दिस लेयर अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट पार्ट इस लेयर के सबसे ऊपर वाले पार्ट में होता है नेक्स्ट इज थर्मोस्फीयर इट लाइज अबव मीजोस्फियर ये मीजोस्फीयर के ऊपर वाली लेयर है वेरी थिन लेयर बहुत ही पतली लेयर है स्पेस शटल्स एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बॉथ ऑर्बिट विद इन दिस लेयर स्पेस शटल्स के और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जो ऑर्बिट हैं जिसमें ये रिवॉल्व करते रहते हैं चक्कर लगाते रहते हैं वो इसी लेयर में एंड लास्ट इज एक्जोस्फियर एक्सो जैसा नेम से पता लग रहा है एक्स मीन सबसे बाहर की इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इट सेपरेट द रेस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस एंड कंटेन्स वेरी लिटिल एयर यहाँ पर बहुत कम एयर होती है और ये सेपरेट करती है अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो इसी लेयर तक है एग्जोस्फेयर तक उसके बाद दूसरा हमारा आउटर स्पेस एटमोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा ओके स्टूडेंट सो दिस इज फॉर टूडे रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देक केयर बाय एवरी